Hello kids, a very warm welcome to all of you. Myself Anjika and I am going to teach you English. बच्चे आज हम English पढ़ने वाले हैं English Feaster. ये आपको अपनी ये English Feaster वाली book open करनी है, okay? And chapter number 7 and page number is 3737. ठीक है? मैम ने already open किया हुआ है. मैम आपको chapter पढ़ाने जा रही हैं and chapter is very much interesting. ये बहुत ज़्यादा अच्छा interesting chapter है, इसे ध्यान से सुनना, ठीक है? और इसका chapter का name क्या है? The moon in a bowl. आप सबने moon देखा है? Moon को bowl में कैसे रखा जा सकता है? ये देखा है कभी? नहीं देखा? तो देखो, इस chapter में हमें यही पढ़ाएंगे. So let's start. Sahil is eating dinner. एक साहिल नाम का एक लड़का है, जो कि क्या कर रहा था? Dinner eat कर रहा था. Riya is crying. और वहाँ पे बैठी Riya जो थी वो रो रही थी. She is his little sister. Riya कौन थी? Riya जो है, Riya और साहिल हैं, भाई बहन हैं, जिसमें साहिल जो है वो डिनर कर रहा था और Riya उसके पास बैठी रो रही थी. She does not want to eat her food. वो क्यों रो रही थी? क्योंकि उसे डिनर नहीं करना था, वो खाना नहीं खाना चाहती थी. अब जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो परेशान करते ना, हमें खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना. और जो बड़े बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? हमें खाना दे दो, खाना दे दो, है ना? आई नो. सो वो क्या कर रही थी? वो थोड़े रो रही थी कि मुझे खाना नहीं खाना. तो ग्रैंड मदर, फिर उसकी दादी आई और वो Riya को टेक्स Riya आउटसाइड द हाउस, वो उसे घर के बाहर लेके गई. फिर Riya लुक्स अप, Riya ने ऊपर देखा, उसकी दादी ने ऐसे ऊपर इशारा करा तो उसने ऊपर देखा. इन द स्काई, तो क्या देखा? द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, कि जो स्टार है वो ट्विंकल ट्विंकल कर रहे हैं कहाँ पे? स्काई में. द मून इज शाइनिंग ब्राइटली अमंग देम, और वहीं पे एक मून भी है जो कि एक बहुत अच्छी सी रोशनी दे रहा है, ब्राइटली शाइन कर रहा है, व्हाइट लाइट दे रहा है. Riya is happy to see the night sky. और Riya जो है वो night, रात के time sky को देख के बहुत खुश है. क्यों? क्योंकि उसे stars दिख रहे थे twinkle होते हुए, ठीक है? और उसे moon भी दिख रहा था बड़ा सुंदर सा. तो Riya बहुत खुश हुई ये देख कर. उसने अपनी grandmother से पूछा, she asked grandmother to get her the moon. उसको moon इतना पसंद आया कि उसने कहा, दादी माँ मुझे moon चाहिए. तो क्या हुआ? साहिल ही इज Riya and love. साहिल वहीं पे, उसका ब्रदर भी खड़ा था साहिल, तो उसने ये सुना और वो हंसने लग गया Riya पे, क्योंकि वो बड़ा था ना, उसे तो समझ थी, लेकिन Riya छोटी थी, उसे समझ नहीं थी. तो Riya ने क्या कहा? दादी मुझे मून चाहिए. और साहिल ये सुन के हंसने लग गया कि मून कैसे आ सकता है. तो ग्रैंड मदर सेज, उसकी दादी ने कहा, आई विल गेट द मून फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए मून लेकर आऊंगी. अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे. उसने, उसकी दादी ने क्या कहा Riya को? कि मैं तुम्हारे लिए मून लेकर आऊंगी. तो बट यू हैव टू फिनिश योर डिनर फर्स्ट. मैं तुम्हारे लिए मून तभी लाऊंगी जब तुम पहले अपना डिनर फिनिश करोगी, ठीक है? Riya goes inside and starts eating her food. Riya जल्दी से अंदर गई और उसने अपना खाना खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लालच क्या था कि उसे उसका मून मिलेगा. उसने अपना खाना शुरू कर दिया और साहिल लेकर शौक था. साहिल ये देख के हैरान था कि ग्रैंड मदर ने कह तो दिया, दादी मम्मा ने कह तो दिया कि वो उसे मून ला के देंगी, लेकिन पहले खाना खाना पड़ेगा. लेकिन मून लाएंगी कहाँ से? तो साहिल ऐसे देख रहा था अपनी दादी को. He wonders how she will get the moon for Riya. और वो दादी को देख के सोच रहा था कि दादी Riya को मून कहाँ से ला के देंगी. तो Riya finishes her food. अब Riya जो अपना खाना खत्म कर लेती है, ग्रैंड मदर गोज टू द किचन. तो तभी क्या होता है, दादी मम्मा जो है वो किचन में जाती है और एक बड़ा सा बाउल लाती है जिसमें पानी भर के लाती है, वाटर डाल के लाती है. She comes back with a big bowl of water. वो आती है वापस किचन से और एक बड़े से बाउल में वाटर डाल के लाती है. She goes outside. उसके बाद वो उसे बाहर लेके जाती है. The children follow her. वो बाहर जाती है, वो बाउल लेके जिसमें पानी होता है उसे लेके बाहर जाती है. Children follow her means वो बच्चे भी, Riya और साहिल, उनके पीछे जाते हैं. Grandmother keeps the bowl on the grass. और grandmother ने क्या किया, दादी मम्मा ने बाउल को ग्रास पर रख दिया. तभी क्या हुआ, she calls Riya and says, उन्होंने बाउल को ग्रास पे रखा और उन्होंने Riya को बुलाया और कहा, here is the moon, देखो ये रहा मून. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने
पानी रख दिया बाउल में, बाउल में पानी लिया और उसको ग्रास पे रख दिया। अब मून की परछाई जब पानी में पड़ी और रिया को क्या लगा, मून आ गया उसके पास। तो दादी ने कहा ये देखो ये रहा मून, बट डोंट टच इट, इसे टच मत करना, इफ यू डू इट विल गो अवे। दादी मम्मा ने कहा मैंने तुम्हें कहा था ना मून ला के दूंगी, मैंने मून ला दिया, लेकिन इसे टच मत करना, अगर टच करोगे तो ये चला जाएगा। रिया लुक्स इनसाइड द बाउल, रिया ने जब बाउल के अंदर देखा, शी कैन सी द मून इन द वाटर, उसे वाटर में मून दिखने लगा। तो शी इज वेरी हैप्पी, वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। शी लुक्स एट ग्रैंडमदर एंड गिव्स हर अ स्वीट स्माइल, उसने अपनी दादी को देखा और वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। क्या देखकर, कि उसकी दादी ने उसका प्रॉमिस पूरा करा। अगर उसे डिनर करवाया तो उन्होंने कहा था ना मैं मून दिखाऊंगी, तो उन्होंने उसे मून भी दिखाया, वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। ठीक है, चैप्टर इज फिनिश बच्चे। अब हमारा नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3939 पे बुक वर्क है। फर्स्ट इज योर टेक द राइट द करेक्ट ऑप्शन एंड देन इज योर फिल इन द ब्लैंक्स एंड देन ट्रू फॉल्स। ये आपको अपने आप ट्राई करना है, बिकॉज मैम ने आपको चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको समझ आ गया, तो बुक वर्क भी आप अपने आप कंप्लीट कर सकते हो ना। एक बार ट्राई करना, आपसे वर्क हो जाएगा, नहीं होगा तो मैम आपको असाइनमेंट सेंड करेंगे। ठीक है, एंड देन कम्स योर क्वेश्चन आंसर्स, ये हम आपको असाइनमेंट सेंड करेंगे, आपको ये नोटबुक में करना है। बट फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट एंड ट्रू फॉल्स, ये आपको बुक में कंप्लीट करना है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो मैम असाइनमेंट सेंड करेंगी, ये आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है। होप आपने चैप्टर को एंजॉय करा हो और आपको अच्छे से समझ आ गया। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।